दोस्तों कई बार क्या होता है कि टिकट बुकिंग के टाइम पे आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है उनके अकाउंट से वो उनको रेलवे के द्वारा कितने दिन में वापस किया जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है कि टिकट बुक करने के बाद किसी कारण से आपको उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ जाता है, तो जो रिफंड अमाउंट है वो रेलवे के द्वारा कितने दिन में आपको वापस किया जाएगा, रेलवे का क्या नियम है रिफंड को लेकर के, आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरी जानकारी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों जो रेलवे का नियम है रिफंड को लेकर के वो क्या कहता है, उसका रूल है कि अगर आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया है और टिकट बुक नहीं हो पाया है तो आपका जो अमाउंट है वो 3 से 4 दिन में, अगर आपने यूपीआई पेमेंट किया है या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो 3 से 4 दिन में आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। आपने यूपीआई से पेमेंट किया है तो आपके यूपीआई में वो पैसा वापस कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा जिस माध्यम से आपने पेमेंट किया था। वहीं अगर आपने कार्ड यूज किया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड यूज किया या फिर डेबिट कार्ड यूज किया है, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए 6 से 7 दिन लग जाते हैं आपके अकाउंट में पैसे वापस आने में दोस्तों। तो रेलवे का ये नियम है। वहीं अगर आपने अपनी टिकट को कैंसिल करवाया है तो सेम यही रिफंड रूल काम करता है, जितना दिन मैंने आपको बताया कि अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया है तो वह आपको 3 से 4 दिन में पैसे वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने कार्ड यूज किया है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो 6 से 7 दिन लग जाएंगे आपका अमाउंट आपको वापस मिलने में दोस्तों। तो ये नियम है रेलवे का रिफंड रूल, और इस चीज को आप चेक कर सकते हैं, अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं IRCTC जिस वेबसाइट से आपने, जिस आईडी से अपनी टिकट बुक करवाई है, वहां पे जाके आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने रिफंड स्टेटस को क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपने कब कैंसिल करवाया था, यह अमाउंट कब डिडक्ट हुआ था और कब आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको मेल के द्वारा भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा कि आपका जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो कब आपको वापस कर दिया गया है, या हुआ या नहीं है, क्या स्टेटस है दोस्तों। तो ये नियम है रिफंड को लेकर के रेलवे का। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी और जानकारी पाने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।